माँ यमुना के अगर दर्शन करने हो और 5 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई चढ़नी हो तो उससे पहले सरकार और प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की हुई है कि उनका जो पंजीकरण अगर नहीं हुआ है तो बड़कोट में होगा और साथ में 55 साल से ऊपर जो भी श्रद्धालु है उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर होगा। ये मैं चाहूंगा साथ ही से कि दिखाएं ये श्रद्धालुओं की जो लंबी कतार यहाँ पर जो है लगी हुई है, वाहन खड़े हैं और इनको साफ कह दिया गया है कि अगर 55 साल से ऊपर जो भी श्रद्धालु है उनका यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण होना नितांत आवश्यक है। पर्यटक विभाग द्वारा यहाँ पर पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अगर उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है तो वो यहाँ पंजीकरण करा सकते हैं यहाँ आकर के जो है, क्योंकि खास तौर पे जिस तरह से मौसम की बेरुखी है उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कहीं ना कहीं आस्था और उनके विश्वास को जो है बढ़ा रहा है और लोग आ रहे हैं माँ यमुना के दर्शन के लिए, माँ गंगा के दर्शन के लिए, बाबा केदार और बद्री के दर्शन के लिए लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन ने यहाँ पर बाकायदा जो है ये शेड बना रखा है और इस शेड में कहीं ना कहीं जो है पूरी टीम पर्यटक विभाग की यहाँ पर है जो श्रद्धालुओं के पंजीकरण को करने में जुटी रहती है और साथ में जो है ये जरूर कहा जाता है कि आप लोग जो है जब भी यमुनोत्री धाम के लिए निकले तो साथ में गर्म कपड़े जरूर लाएं क्योंकि लगातार जो है बारिश यहाँ पर हो रही है। ये यहाँ पर पूरी टीम है जो मैं चाहूंगा दिखाना अपने साथी से, ये यहाँ पर गर्ल्स हैं जो लगे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं यहाँ पर पंजीकरण कराते हैं, जिनका पंजीकरण हो रखा है वो यहाँ पर चेक कराते हैं, अपने QR कोड को दिखाते हैं और साथ में ये स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी यहाँ पर मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार जो है 55 साल से ऊपर और या अन्य जो श्रद्धालु जिनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है वो यहाँ आकर के अपना चेकअप कराते हैं, चिकित्सक उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर जो है लगातार स्वास्थ्य परीक्षण में जुटी हुई है। जो आम श्रद्धालु है, देश विदेश के आम श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ अपना चेकअप कराते हैं, BP चेक कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, उसके अलावा अगर उनको और भी कोई दिक्कत होती है तो वो भी यहाँ पर जो है ECG की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, 24 घंटे जो है यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण की जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डॉक्टर जो है BP चेक करते हैं यहाँ पर, उनके अलावा जो उनको दिक्कतें होती है और साथ में ये भी सलाह देते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो यमुनोत्री धाम ना जाएं, खरसाली में माँ शीतकालीन मंदिर में दर्शन कर लें। डॉक्टर साहब आप लगातार यहाँ पर जाँच कर रहे हैं, किस तरह के पेशेंट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और कैसे? हमने 55 साल से ऊपर जो पेशेंट हैं मतलब यात्री हैं उनका हम चेकअप कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए या अस्थमेटिक होने के लिए हम चेकअप कर रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है तो हम उससे कहते हैं कि आप यात्रा न करें। बिल्कुल जो है, क्योंकि चिकित्सकों की जो सलाह है वो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए भी लाभदायक होती है और जो श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं उनका परीक्षण यहाँ पर, स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जाता है क्योंकि अगर वो स्वस्थ हैं तो ही यमुनोत्री धाम के लिए वो निकले और अगर अस्वस्थ है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक वाहन जाता है वहाँ पर जाकर के, क्योंकि शीतकालीन मंदिर में भी माँ यमुना के वो दर्शन कर सकते हैं, वो जो है अपने सुविधा अनुसार जरूर निकलें। और एक जरूर हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि मौसम की बेरुखी लगातार जो है कभी धूप और कभी बारिश हो जा रही है और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो जा रही है तो ऐसे में गर्म कपड़ों का सहारा लेकर के वो लोग आए, गर्म कपड़े साथ जरूर लाएं और बरसाती या रेनकोट जो है वो साथ लेके आए ताकि उनका जो है स्वास्थ्य सही रहे और दर्शन के साथ साथ माँ यमुना गंगा और बद्री केदार के दर्शन कर सके। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस।